दोस्तों, तो ये वाली वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बताया है कि किसी भी ऐप का लाइट वर्जन कैसे इंस्टॉल किया जाए। अगर वो प्ले स्टोर पे नहीं है तो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आप खुद बनाएंगे अपना लाइट वाला एप्लीकेशन, आपको बताऊंगा कैसे, जिससे आपका फ़ोन स्टोरेज भी बचे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ट्विटर लाइट, फेसबुक लाइट और मैसेंजर लाइट, ये तो मिल जाता है प्ले स्टोर पर, लेकिन ये इंस्टाग्राम लाइट मैं कहाँ से लाया ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ये ऐप मैंने खुद बनाई है, आप भी बना सकते हैं। और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे कि फ़्लिपकार्ट का लाइट देख सकते हैं आप। ये सारी चीज़ें आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेंगी। आप देख सकते हैं ये एकदम ऐप ही है फ़्लिपकार्ट लाइट। आप देखेंगे यहाँ पे स्टोरेज एकदम KB में खा रहा है ये, और जो असली फ़्लिपकार्ट का जो बड़ा वाला ऐप है वो MB में खाता है। अमेजोन का भी आप देख सकते हैं इसी तरीके से, और ये एकदम जेन्युइन काम करते हैं, ये जेन्युइन ऐप्स हैं। तो ये मेरे को मिले कहाँ मैं आपको बताता हूँ। क्रोम फ्रेंड्स हर एंड्रॉयड फ़ोन में होता है, अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो इसे इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा काम का होने वाला है आपके। आप देख सकते हैं इसके मैं वेबसाइट अगर ओपन करूँ अमेज़ोन का, जिसका मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है लाइट वर्जन। अगर आप पहली बार इसे ओपन करेंगे अमेज़ोन या कोई भी वेबसाइट क्रोम के अंदर, तो नीचे ही ऑप्शन आता है रिक्वेस्ट टू ऐड टू होम स्क्रीन। अगर नहीं आ रहा आपके में तो ऊपर देख सकते हैं तीन बिंदी आता है उस साइड में, वो दबाने के बाद यहाँ पे ऐड टू होम स्क्रीन का ऑप्शन आता है। क्योंकि मैंने इसे पहले ही ऐड कर रखा है तो इस वाली वेबसाइट पे तो ये नहीं आ रहा, लेकिन मैं twitter.com आपको दिखाऊंगा ऐड करके, क्योंकि जो ट्विटर का लाइट वर्जन है मेरे फ़ोन में वो प्ले स्टोर से किया गया है, और ये वाला जो twitter.com है इसको मैं आपको ऐड करके दिखाऊँगा होम स्क्रीन पर अपने। देख सकते हैं twitter.com मैंने ओपन किया यहाँ पर, और साइड में ही तीन बिंदी जो है उसी पर मैं टच करता हूँ, और वहाँ पे ऐड टू होम स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जैसे आप ऐड टू होम स्क्रीन करेंगे फ्रेंड्स, तो एक तरीके का आपके फ़ोन में एक और ऐप इंस्टॉल होगा, जैसे कि ट्विटर लाइट, क्योंकि ये ट्विटर की वेबसाइट है इसलिए ट्विटर लाइट इंस्टॉल हो जाएगा। आप सोचेंगे कि लाइट इंस्टॉल नहीं होगा, आप सोच रहे हैं कि कोई वेबसाइट का लिंक जाएगा, बुकमार्क होगा, ऐसा नहीं है। आप देखिएगा कि प्रॉपर एकदम जैसे इंस्टॉल होता है ऐप, उस तरीके से ऊपर नोटिफिकेशन भी आ रहा है, और अभी हमारे यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे ट्विटर भी आ चुका है। और ये ट्विटर कोई बड़ा वाला ऐप नहीं है जो MB में साइज खाए, 100-200 MB। इसका मैं ऐप इन्फॉर्मेशन में आपको स्टोरेज यूजेस दिखा दूँ, तो आप देखेंगे कि ये केवल KB में ही कुछ खा रहा है स्टोरेज। और ये जो ट्विटर का लाइट है फ्रेंड्स, ये एकदम ट्विटर की तरह ही काम करेगा, जेन्युइन ट्विटर है ये। मैं ऐप को ओपन करके भी दिखा देता हूँ आपको, आप देख सकते हैं एकदम ट्विटर की तरह ओपन हो रहा है ये। अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं आप इसको। और मैं आपको फ्रेंड्स जो ओरिजिनल ट्विटर है, मतलब ओरिजिनल तो ये भी है लेकिन जो बड़ा वाला ऐप है ट्विटर का, उसका फ़ाइल साइज़ दिखाऊं, मतलब जितना वो आपके फ़ोन में स्टोरेज घेरेगा वो दिखाता हूं कितना घेरेगा। प्ले स्टोर में आप देख सकते हैं ट्विटर में सर्च करके दिखा रहा हूं आपको, ये 19 MB के करीब ये स्टोरेज घेरता है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, ऐसी जो और भी ऐप्स हैं, जैसे कि फ़्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, इंस्टाग्राम, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, आप क्रोम से आप बना सकते हैं इस लाइट को। तो फ्रेंड, जैसे कि कोई भी ऐप जो कि सिर्फ और सिर्फ ऐप ही है, वेबसाइट नहीं है, उसका नहीं बन पाएगा मैं जानता हूँ, लेकिन इस ट्रिक से बहुत सारी ऐप्स आपकी लाइट वर्जन इंस्टॉल हो सकते हैं आपके फ़ोन में। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये मेथड मैंने खुद ढूंढा था फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई चार्ज नहीं लगता इसका, बिल्कुल फ्री सर्विस है। आपका कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएँ।